अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बंद करेले, मसाले वाले। सो सबसे पहले उनको साफ़ कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा छिलका उतार लें। ताकि उनको धोते हुए आसानी हो, को मिट्टी वगैरह स्किन के अंदर ना रह जाए। सो अंदर से बीज निकाल लेते हैं। मैं टीस्पून की मदद से निकालूंगी, थोड़ा आसान होता है। सो इसी तरह सब करेले साफ कर लेते हैं। इसके बाद मैं प्याज को ग्रेटर करूंगी। आप चाहें तो मशीन में कर लें, मैंने मशीन में नहीं किया था, मैंने ग्रेटर किया था। मुझे थोड़ा प्याज थोड़ा बहुत साबुत भी चाहिए था, बहुत ज़्यादा मश और वो नहीं चाहिए था। सो इसी तरह मैं टमाटर जो है उनको भी कर लेती हूँ उसी तरीके से। सो ये हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेल डालें, प्याज डालें, प्याज को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। सो साथ ही हम दूसरी तरफ जो है प्याज को रख देते हैं फ्राई होने के लिए, और साथ ही दूसरी तरफ हम तेल डालकर जो करेले हैं उनको कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। सो ये मैंने तेल एक अलग पान में, इलादा पान में जो है करेले डाले। दो तीन मिनट के लिए इनको मैं फ्राई करूंगी तेल के अंदर, ताकि जो करेले के अंदर वो उसका कोड़ापन होता है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो पानी के अंदर बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल नहीं किया, मैंने फ्राई किया। सो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बिकॉज हमने बाद में इनको पकाना भी है फिलिंग, मसाला फिलिंग करने के बाद। तो हमारे ये करेले रेडी हैं। अब इनको प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये पे एक दूसरी तरफ हमारा प्याज भी रेडी है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम टमाटर डालते हैं इसके अंदर। ये नमक डाला, ये मैंने चिल्ली पाउडर डाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पपरिका पाउडर, सो ये साथ साथ मिक्स करते जाएं, हल्दी पाउडर, ये अमचूर पाउडर था मेरे पास, ये मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो आप अनारदाना पाउडर इस्तेमाल कर लें। ये हरी मिर्चें थी मेरे पास दो दर्द, सो मैंने दो इस्तेमाल की। ये ताज़ा धनिया है, हमारा मसाला ये तैयार है। आखिर में थोड़ा सा लेमन जूस में डालूंगी, क्योंकि मैंने अमचूर पाउडर ज़्यादा नहीं डाला था।
अब इनकी फिलिंग करते हैं करेले की। फिलिंग करने के बाद मैंने एक पान में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून तेल डाला और करेले इसमें डालकर दम दे देंगे। दम मैंने 5-6 मिनट के लिए दिया था ताकि जो करेले की स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। बहुत ज़्यादा साड़ने नहीं हैं आपने। तो ये करेले रेडी हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। मैंने आखिर में बहुत ज़्यादा नहीं पकाए थे क्योंकि मैंने तेल में इनको तला था, तो उस टाइम भी थोड़ा पक चुके थे और मैंने एंड पर इनको सिर्फ दम दिया था कुछ मिनट के लिए। तो ये करेले हमारे रेडी हैं, आप भी पकाएं और ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।